फिर हेलो एवरीवन, मैं आप सबका प्यारा दोस्त एक्स वाई जेड वॉकी मास्टर और मैं आपके लिए एक और बार फिर से एक नई न्यूज़ लेके आया हूँ। तो भाई ये न्यूज़ नहीं है, ये मतलब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो इंडिया में जो नए शोज़ आ रहे हैं, आप बताए हर बार पुराने शोज आते हैं, पर इंडिया में डिज्नी ने इस बार मतलब डिज्नी और बाकी सारे चैनल्स ने कुछ नए नए शोज इन्वेंट कर रहे हैं। कुछ इंडिया के हैं, कुछ बाहर के हैं, पर भाई सारे के सारे शो एक नंबर और हिट है। तो आज हम उन शोज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में पूरी तरह नए आए हैं। सबसे पहला नाम आता है मिरेकुलस का। तो भाई ये बहुत कमाल का एनिमे है, इसमें तो मेरा लिटरली फेवरेट बन चुका है, बहुत कमाल का। इसमें दो कैरेक्टर्स जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स होते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगर आप जितना देखना चाहते हो तो भाई मार्वल एच क्यू पे ये 12 बजे रोज़ लगता है, रोज़ 12 बजे लगता है। और इसे फिलहाल डिज्नी पे भी चालू है। डिज्नी पे इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे है, समझे, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, बराबर शाम को 7 बजे ही लगेगा। जो देख सकते हो देख लो, और 8 बजे ब्लैक एंड व्हाइट देखना कभी मत भूलना भाई। डिज्नी ने झटका दे दिया है तो उस झटके का हमें कुछ तो फायदा चलना चाहिए ना। चलो, तो बहुत कमाल के एनिमे आप लोग ज़रूर देखना, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। एक एपिसोड देख लो, फ़ैन नहीं बने तो भाई मेरा नाम बदल देना, कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो भाई अगला नंबर आता है मिरेकुलस के बाद, जो मिरेकुलस के बाद जो लगता है वो है द डीप। तो भाई ये द डीप क्या है, ये मूवी भी है एक रियलिस्टिक वाली, पर इसका कार्टून तो भाई डबल ज़बरदस्त है। ये एक ऐसा शो है जिसमें सारी मतलब जो ओशियन है उसकी सारी रियलिटीज़ बताई है, समझे, ओशियंस के बारे में। बहुत अलग अलग क्रिएचर है, बहुत अलग अलग मॉन्स्टर है, और ये मार्वल एचक्यू पे रोज़ 12:30 बजे लगता है, मतलब करेक्ट मिरेकुलस के बाद। और भाई मुझे इसका भी मैं फ़ैन बन चुका हूँ, अलग अलग हर बार अलग अलग मॉन्स्टर्स, अलग अलग मिस्ट्री, और मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट बन गया है। इसमें बहुत अलग अलग मॉन्स्टर्स भी, और इसके फिलहाल इसका सीज़न 2 भी आ रहा है। और भाई बहुत कमाल का है ये भी, ये एक एनिमे ही है, बहुत कमाल का एनिमे और 3D में है, आप लोग ज़रूर देखना। अगला नंबर है भाई कार्टून नेटवर्क का। तो फिलहाल कार्टून नेटवर्क का भी नया एनिमे निकाला जिसका नाम है एकंस। तो भाई सब कुछ सारे एनिमल्स का कार्टून बना दिया, तो भाई सांप को कैसे छोड़ेंगे, सांप और कोबरा, तो उनके ऊपर भी एनिमे बना दिया अभी, ये उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये कार्टून नेट पे क्या है इसका नाम है एकंस, तो मैंने इसको देखा तो नहीं है, पर भाई देख के समझ आ रहा है। ये कार्टून नेटवर्क पे 11:30 AM मतलब रोज़ सुबह 11:30 बजे लगता है। इसमें एक लड़का है जिसके पीछे से सांप तो दिख रहे, पता नहीं अभी इसको पावर्स कहाँ से मिलते हैं, विलन क्या है, इसकी स्टोरी तो नहीं पता, पर जल्दी पता चल जाएगी। और ये कार्टून नेटवर्क पे 7:30 बजे भी आता है। वाह, मेरा कॉलेज देखने के बाद आप ये भी देख सकते हो, और फिर ये ख़त्म होने के बाद फिर से ब्लैक एंड व्हाइट देखना। नहीं, फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट बंद हो चुका है, इसकी टाइमिंग सिर्फ 11:30 और बहुत रात में, तो आप 11:30 बजे देखो। और फिर भाई कमाल के एनिमे ज़रूर देखना, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो चलो, अगला एनिमे है सोनी ये का। भाई सोनी ये ने भी एक नया एनिमे खाए से तो उठा के लाया है, इसका नाम है ओबो चामा कुन। कुन क्यों लगाया वो नहीं पता, ओबो चामा ठीक है, पर कुन क्यों लगाया ये तो मुझे भी नहीं पता। पर भाई मैंने इसे देखा है इस एनिमे को, मतलब एनिमे ने ये कार्टून टाइप है, सिंचैन या हगेमारू जैसा, पर भाई बहुत फनी है। ये जो लड़का देख रहे हो ना भाई आप, ये कछुए पे चलता है, और इसकी टाइमिंग 10:30 बजे से कुछ 11:30 बजे तक है। और ये जो छोटा लड़का आप एकदम नीचे देख सकते हो, वो कछुए दिख रहे हैं, वो कछुए पे चलते चलते घूमता है, बहुत ज़रा हागे मारू जैसा ही है ये, अच्छा शो है कॉमेडी के लिए, सिंचैन जैसा है, आप चाहो तो देख लो। ये सोनी ये पे आ रहा है पर फिलहाल। और भाई अगला नंबर है डिज्नी का दूसरा फेमस शो, पता नहीं ये कहाँ से उठा कहला है भाई, सुपर स्ट्राइकर्स, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है भाई। ये फुटबॉल का शो है, मतलब है अभी मैं क्या बताऊँ, ये पूरी मतलब डिज्नी पे भाई राज कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त शो है सुपर स्ट्राइकर्स। इसकी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट होता है, कमाल का है भाई। मिरेकुलस, डीप, सुपर स्ट्राइकर्स, बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत फेमस हो रहा है ये फिलहाल, बहुत यूट्यूबर्स इसका यूट्यूब भी कर रहे हैं, आप चाहो तो देख भी सकते हो। और ये भी मार्वल एचक्यू पर ही आता है, इसकी टाइमिंग मुझे नहीं पता, आप लोग चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा।
भाई आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मैंने मुझे मतलब मुझे जितने लगे अच्छे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मुझसे कुछ कोई कार्टून या फिर एनिमल छूट गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके बाय।